हमको कोई पार्टी हमारे पति को टिकट नहीं दिया। जनता का आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं, कई वर्षों से लड़ रहे हैं, हारते आ रहे हैं। इस बार हमको चुनाव जीतना है, जनता का जो है विधायक के रूप में विधायक बन के सेवा करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। जो रहता है हम जनता के बीच आ करके दोनों पति पत्नी सेवा करते हैं। बस एक बार जनता भगवान से विनती करते हैं कि मेरे पति इतने दिल के साफ हैं, इतने अच्छे लोग हैं, उनको एक बार रुपोली के विधायक के रूप में चुनिए और उनको सेवा करने का मौका दीजिए। ये विधानसभा तो मैडम अभी मात्र में 12 महीने 13 महीने का ही है। 13 महीना का जब किसी को सेवा का भाव रहता है ना जी, तो वो 6 महीना भी अपना विकास दिखा देता है जी। जो वो विगत 25 वर्षों से क्षेत्र के बीच में रह करके हर एक जनता के दिल में बस करके दिखाए हैं और वही विश्वास के बल पे अभी नॉमिनेशन निर्दलीय के रूप में दिए हैं। देख सकते हैं अभी कि NDA गठबंधन में जो ये थे लेकिन इनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला और इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन जनता भगवान के आशीर्वाद से जो है ये नॉमिनेशन दिए और इनको आज जो है इनका छाप मिला है, कैंची छाप। और हम जनता भगवान से यही कहेंगे कि एक बार इनको आप लोग मौका दीजिए। कई बार से आप लोगों के बीच आकर के कभी पार्टी के बल पे, कभी निर्दलीय के रूप में आके नॉमिनेशन देते हैं, हारते भी हैं तो हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद उनको मिलते रहता है। एक बार उनको आप लोग मौका दीजिए। सभी जनता भगवान को हम प्रणाम करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो मैडम आप अभी जहाँ उपस्थित है, क्रम संख्या 5 रुपोली विधानसभा की, आप यहाँ की जिला परिषद हैं, फिर भी यहाँ की जनता आपकी बहुत खुशी बरसात दिए हुए हैं और जिस प्रकार से कि आप यहाँ के इस एरिए से बहुत अच्छे वोट जीते हुए हैं, हमको बहुत यहाँ का जनता क्षेत्र संख्या 05 का जनता से बहुत आशीर्वाद मिला है। जब राजनीतिक में हम कुछ भी नहीं जानते थे, हमको 2 शब्द बोलने के लिए भी नहीं आता था, तो हम 2011 में चुनाव लड़े और पहली बार यहाँ की रुपोली की 05 की जनता मुझे भारी से भारी मत देकर के चुनाव जिताई और रुपोली की जनता ही मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दी है। और रुपोली की बेटी बन के हर वक्त हमसे जितना बन पाएगा हम सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसी विश्वास के साथ हमारे पति जो है निर्दलीय के रूप में आए हैं, सभी क्षेत्र के जनता उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। और हमारे पास कुछ गाड़ी भी नहीं रहता है, हमको लोग गाड़ी में तेल भरा करके, गाड़ी अपना भरा करके हमको देते हैं क्षेत्र में घूमने के लिए। और बस हम यही कहेंगे सबसे, एक बार मेरे पति को विधायक के रूप में चुनिए और जिताइए। बहुत ज़्यादा खुश हैं हाँ। और जनता भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं कि मेरे पति का जो छाप आया है, कैंची छाप, इस पर सब जो है इनको एक एक वोट दे करके भारी से भारी मतों से जिताइए और रुपोली विधानसभा से जिता करके विधानसभा पहुँचाइए। रुपोली में जितना विकास नहीं हो पाया है, हमारा जो हस्बैंड है वो आप लोग का बच्चा, आप लोग का बेटा बन के आपके विश्वास पे खड़ा उतरेंगे। अच्छा मैडम आप ये बताइए कि जैसे कि आप रुपोली विधानसभा में हर एक जगह घूमते होंगे और आप प्रचार भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसा लगता है कि जनता के प्रति? बहुत अच्छा लगता है। जनता के पास जाते हैं तो अपना जो हमको दर्द होता है या कुछ भी, हमको कुछ महसूस नहीं होता है, अपना दुख को भूल जाते हैं। इतना हमको मान सम्मान प्यार मिलता है कि हमको इसी से है जनता भगवान का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। और मेरे पति को जो है कैंची छाप मिला है और हमको कोई भी तरह का कोई भी ये नहीं है, सिर्फ जनता का आशीर्वाद है। और सब जनता भगवान से यही कहेंगे कि एक बार मेरे पति को जिताइए, 5 बार से हार रहे हैं, एक बार उनको रुपोली विधानसभा विधायक के रूप में सेवा करने का मौका दीजिए। एक जैसे कि आप अभी रो रहे हैं, इससे ऐसे भी आप अगर नहीं जीते हैं तो आप जनता के दिल में जीते हुए हैं, इस प्रकार से करने से कुछ नहीं। और आप जो आप मीडिया के सामने अभी हैं और अभी रो रहे हैं और ऐसी जनता आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जनता के बीच घूम रहे हैं, आपके प्रति अच्छा कह रहा है, आप ही जो अभी रो रहे हैं क्यों रो रहे हैं? हमको कोई आशीर्वाद नहीं है कहीं से, हमको कोई पार्टी हमारे पति को टिकट नहीं दिया। जनता का आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं, कई वर्षों से लड़ रहे हैं, हारते आ रहे हैं। इस बार हमको चुनाव जीतना है, जनता का जो है विधायक के रूप में विधायक बन के सेवा करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। जो रहता है हम जनता के बीच आ करके दोनों पति पत्नी सेवा करते हैं। बस एक बार जनता भगवान से विनती करते हैं कि मेरे पति इतने दिल के साफ हैं, इतने अच्छे लोग हैं, उनको एक बार रुपोली के विधायक के रूप में चुनिए और उनको सेवा करने का मौका दीजिए। यह विधानसभा तो मैडम अभी मात्र में 12 महीने 13 महीने का ही है। 13 महीना का जब किसी को सेवा का भाव रहता है ना जी, तो वो 6 महीना भी अपना विकास दिखा देता है जी। जो वो विगत 25 वर्षों से क्षेत्र के बीच में रह करके हर एक जनता के दिल में बस करके दिखाए हैं और वही विश्वास के बल पे अभी नॉमिनेशन निर्दलीय के रूप में दिए हैं। देख सकते हैं अभी
कि एनडीए गठबंधन में जो ये थे लेकिन इनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला और इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन जनता भगवान के आशीर्वाद से जो है ये नॉमिनेशन दिए और इनको आज जो है इनका छाप मिला है, कैंची छाप। और हम जनता भगवान से यही कहेंगे कि एक बार इनको आप लोग मौका दीजिए। कई बार से आप लोगों के बीच आकर के कभी पार्टी के बल पे, कभी निर्दलीय के रूप में आकर नॉमिनेशन देते हैं, हारते भी हैं तो हिम्मत नहीं हारते हैं क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद उनको मिलते रहता है। तो एक बार उनको आप लोग मौका दीजिए। सभी जनता भगवान को हम प्रणाम करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो मैडम आप अभी जहाँ उपस्थित है रव संख्या 5 रुपौली विधानसभा की, आप यहाँ की जिला परिषद हैं, फिर भी यहाँ की जनता आपकी बहुत खुशी बरसात दिए हुए हैं और जिस प्रकार से कि आप यहाँ के इस एरिया से बहुत अच्छे भरोसे जीते हुए हैं, हमको बहुत यहाँ का जनता क्षेत्र संख्या 05 का जनता से बहुत आशीर्वाद मिला है। जब राजनीतिक में हम कुछ भी नहीं जानते थे, हमको दो शब्द बोलने के लिए भी नहीं आता था, तो हम 2011 में चुनाव लड़े और पहली बार यहाँ की रुपौली की 05 की जनता मुझे भारी से भारी मत देकर के चुनाव जिताई और रुपौली की जनता ही मुझे दो शब्द बोलने का मौका दी है। और रुपौली की बेटी बन के हर वक्त हमसे जितना बन पाएगा हम सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे और इसी विश्वास के साथ हमारे पति जो है निर्दलीय के रूप में आए हैं, सभी क्षेत्र के जनता उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। और हमारे पास कुछ गाड़ी भी नहीं रहता है, हमको लोग गाड़ी में तेल भरा करके, गाड़ी अपना भरा करके हमको देते हैं क्षेत्र में घूमने के लिए। और बस हम यही कहेंगे सबसे, एक बार मेरे पति को विधायक के रूप में चुनिए और जिताइए। चलिए धन्यवाद।